नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ तुला लगन व तुला राशि के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। सबसे पहले आपको नववर्ष की बधाई कि वर्ष 2025 आपका शुभ जाए और आपकी जितनी मनोकामनाएं हैं माता रानी उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति इस वर्ष आपके लिए करें और आपको कैरियर में नए अवसर मिले। अगर आपका तुला लगन है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, अगर आपकी तुला राशि है तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम तुला लगन व तुला राशि के लिए चार बड़े ग्रहों की स्थिति देखते हैं। देखिए, तुला लगन में अगर हम बात करें तो वर्ष का जब आरंभ होगा तो ज्यादा स्थिति आपके लिए पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि गुरु अष्टम में चल रहे होंगे। शनि महाराज पंचम जो है वो भाग्य उसमें पंचम में चल रहे होंगे और राहु छठे भाव में चल रहे होंगे और केतु बारहवें चल रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा, इस वर्ष सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो जब वो जो चार बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसमें तीन ग्रह आपके लिए पॉजिटिव होने वाले हैं। वो कैसे? सबसे पहले 29 मार्च 2025 को शनि महाराज राशि परिवर्तन करेंगे और वो कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ जाएंगे, आपके छठे भाव में। छठे भाव का शनि जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और 14 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम से निकलकर आपके भाग्य भाव में आ जाएंगे और भाग्य भाव में गुरु का गोचर हमेशा शुभ होता है। 30 मई को जो राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा, राहु आपके पंचम में आ जाएंगे और केतु आपके लाभ भाव में आ जाएंगे। तो इसका मतलब शनि, गुरु और केतु जो है आपके लिए शुभ रहने वाले हैं। जो चार ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है कि शनि का भी आपको शुभ फल मिलेगा, गुरु का भी मिलेगा और केतु का भी मिलेगा। अब इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि तुला लगन व तुला राशि के लिए क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका तुला लगन व तुला राशि है तो 1 जनवरी से लेकर 13 मई 2025 तक आपको कुछ ना कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। दो तीन चीजें हैं जिनमें सावधानी रखने की जरूरत है। पहली बात, कैरियर से जुड़ी कोई भी प्रकार की जोखिम 13 मई 2025 तक मत लीजिए। आप जो जॉब कर रहे हैं वो जॉब करते रहिए। कार्यस्थल पर अपने वाद विवाद से आपको बचाइए। किसी से आगे बढ़कर लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। अगर आपने कोई पुलिस केस करा तो उसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आपकी 13 मई 25 के तक कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो उसमें भी आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि वर्ष का जो समय है 1 जनवरी से लेकर 13 मई 2025 तक का, वो आपका सावधानी रखने का समय है। इसलिए वर्ष का आरंभ होते ही आराम से शांत रहिए, समय देखते रहिए। पहले 29 मार्च को शनि महाराज आपके लिए पॉजिटिव होंगे तो वो आपको कोर्ट केस में राहत देंगे। फिर 14 मई को देवगुरु बृहस्पति पॉजिटिव हो जाएंगे और 30 मई को राहु और केतु। इसलिए धीरे धीरे जैसे जैसे समय चलता जाएगा आपके लिए स्थिति पॉजिटिव होती जाएगी। पर आपको 13 मई 2025 तक, जब तक देवगुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव को नहीं छोड़ते, आप ना तो कैरियर में किसी प्रकार का बड़ा जोखिम लें, कार्यस्थल पर वाद विवाद से बचें और किसी प्रकार के पुलिस केस से अपने को बचाने की कोशिश करें। और हो सकता है कि कार्यस्थल पर कई बार अपमान की स्थिति भी बन जाती है, इसलिए आपको गुरु की कोई ना कोई रेमेडी 13 मई 2025 तक करनी होगी। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। अब हम सिनेरियो देखते हैं 14 मई 25 का। 14 मई 25 को ये स्थिति होगी कि शनि महाराज तो आपके छठे भाव में होंगे जहां का शुभ फल देते हैं, राहु पंचम में होंगे, केतु लाभ भाव में होंगे जहां का शुभ फल देंगे, और गुरु आपके भाग्य भाव में होंगे। अब ये स्थिति होगी कि अब आपको कैरियर में आप कुछ भी डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आप वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं, वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन की संभावना बन सकती है। ये वो समय होगा जब समाज में आपको मान सम्मान व प्रतिष्ठा मिलेगी। और अगर आपने प्रॉपर्टी में कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखा था, कुछ प्रॉपर्टी में काफी लंबे समय से पैसा लगा रखा था, तो उसमें आपको लाभ होने की संभावना है। गुरु क्योंकि भाग्य भाव में गोचर करेंगे तो आपको मिलेगा भाग्य का साथ, और साथ ही छठे भाव का शनि और लाभ भाव का केतु आपको प्रयासों में सफलता दिलाएगा। और अगर बाई चांस आपकी कुंडली में केतु की दशा निरंतर दशा चल रही होगी तो गोचर का केतु आपको और अधिक लाभ देगा। गुरु लगन को दृष्टि देंगे जिसके आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्योंकि जब अष्टम में गुरु का गोचर जाता है तो स्वास्थ्य भी खराब होता है और लोगों से संबंध भी खराब होते हैं, क्योंकि अष्टम में जब गुरु चला जाता है तो हमारी वाणी खराब हो जाती है, जिससे आसपास के रिश्तेदारों से संबंध खराब हो जाते हैं और हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो जैसे ही 14 मई को गुरु भाग्य भाव में आएंगे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो दंपत्ति संतान प्राण करना चाहते हैं संतान प्राण कर सकते हैं, प्रेम संबंधों के लिए समय अच्छा है। जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। और 14 मई 2025 से लेकर 20 अक्टूबर 25 तक अगर आपकी कोई वर्तमान में कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगी। धन के लिए ये वर्ष आपके लिए शुभ रहने वाला है। घर में सुख समृद्धि रहेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे,
आपके कामों को गति मिलेगी। जो आप देखेंगे 13 मई 25 से पहले जो काम रुक रुक के हो रहे थे, वो 14 मई के बाद आपके काम तेजी से होने लगेंगे। तो ओवरऑल आपके लिए स्थिति है, पर ध्यान रखना है कि आपको वर्ष के आरंभ में ही 1 जनवरी से लेकर 13 मई 25 तक विशेष सावधानी रखनी है। 29 मार्च 2025 से आपको थोड़ी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो जाएगी कि शनि महाराज आपके छठे भाव में आकर आपके बल और पराक्रम को बढ़ाएंगे। आपका जो प्रयास है वो धीरे धीरे आपको पॉजिटिव दिखने पड़ेंगे, पर पूरी जो आपको रिलीफ है वो 14 मई के बाद मिलेगी, जब देव गुरु बृहस्पति भाग्य भाव में गोचर करेंगे। अब इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी कुंडली की दशाएं कैसी चल रही हैं। अगर आपकी कुंडली की दशाएं पॉजिटिव चल रही होंगी, जैसे लग्नेश शुक्र की, पंचमेश शनि की या भाग्येश बुध की, तो ये गोचर आपको ज्यादा परेशानी नहीं करेगा, क्योंकि गोचर एक सेकेंडरी चीज है। गोचर दूसरे जगह पर आता है, सबसे पहले ध्यान जाता है कुंडली की दशाओं पर। अगर कुंडली की दशाएं अच्छी चल रही हो तो गोचर नेगेटिव भी हो तो भी आप समय निकाल लेते हैं, लेकिन अगर कुंडली की दशाएं भी नेगेटिव चल रही हो और गोचर भी नेगेटिव हो जाए तो वो समय आपके लिए कठिन होता है। तो आपको 1 जनवरी से लेकर 13 मई 25 तक सावधानी रखनी है। कोर्ट केस में, पुलिस केस में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कार्यस्थल पर वाद विवाद से जड़ना है, कैरियर से जुड़े किसी प्रकार की जोखिम नहीं लेनी, और कोई भी निर्णय लेना है सावधानी से लेना है, किसी प्रकार के भ्रम से अपने को बचाने की कोशिश करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे चलकर जो 30 मई को राहु पंचम में आएंगे वो थोड़ी सी आपके लिए निर्णयों में प्रॉब्लम देंगे, क्योंकि राहु पंचम में आके जो तुला राशि है उसके चंद्रमा को देखेंगे। राहु और चंद्रमा की कनेक्टिविटी भ्रम की स्थिति बनाती है। तो 30 मई 2025 के बाद आप जब भी निर्णय लें तो सोच विचार के लें, किसी से सलाह ले लें, जल्दबाजी में निर्णय ला लें। आपको थोड़ा भ्रम रहेगा, कुछ मानसिक चिंता रह सकती है, मानसिक तनाव रह सकता है, माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो सकती है। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर हमारा तुला लग्न में तुला राशि है तो हमारे लिए कैरियर का जो महत्वपूर्ण समय निकल के आता है वो आता है 14 मई 2025 से 20 अक्टूबर 2025 के बीच में, जब हम कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। 20 अक्टूबर के बाद देव गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां से उनकी दृष्टि आपके धन भाव पर और छठे भाव पर होगी। वो भी आपके लिए इतने नेगेटिव नहीं है, लेकिन तब भी आपको थोड़ा सा संभलना होगा, क्योंकि आपकी कुंडली का जो षष्टेश गुरु है वो आपके दशम में चला जाएगा। तो कार्यस्थल में किसी प्रकार के वाद विवाद से अपने को बचाना पड़ेगा 20 अक्टूबर 25 से 4 दिसंबर 25 के बीच में। अब हम बात करें कि तुला लग्न व तुला राशि को इस वर्ष रेमेडी क्या क्या करनी है। देखिए, वर्ष के आरंभ में ही देव गुरु बृहस्पति आपके अष्टम में चल रहे हैं, तो सबसे पहले आपको रेमेडी करनी है गुरु की। गुरु की रेमेडी के लिए आप कर सकते हैं पीली वस्तु का दान। पीली वस्तु का दान, या आप चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा गुरुवार को किसी को दान दे सकते हैं, और रोज गाय को रोटी खिलाइए, वो भी बहुत अच्छा उपाय है। और आप चाहें तो हर पूर्णमासी को भगवान सत्यनारायण की कथा भी कर सकते हैं, और चाहें तो माथे पर केसर का तिलक भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका गुरु अच्छा होगा। दूसरी बात कि आपकी कुंडली में राहु पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, और जो विद्यार्थी हैं उनका मन तो करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि गुरु आपके पंचम भाव को देखेंगे, लेकिन विद्यार्थियों का कंसंट्रेशन हटेगा बार बार, क्योंकि राहु पंचम में गोचर करेंगे तो वो बार बार पढ़ाई से दिमाग को हटाएंगे, दिमाग इधर उधर जाएगा। तो राहु की रेमेडी के तौर पर हम बुधवार या शनिवार को बहते पानी में कोयले प्रवाहित कर सकते हैं, कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, और सर्दी का समय आ रहा है, आप हर बुधवार को 4 मूली मंदिर में दान कर सकते हैं, उसके पत्ते हटा लीजिएगा। तो इस तरीके से हम राहु की रेमेडी कर सकते हैं। केतु और शनि आपके लिए पॉजिटिव है। तो इस तरीके से तुला लग्न व तुला राशि के लिए 14 मई 25 से लेकर 20 अक्टूबर 25 तक का वो समय है कि आप कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। आपको कामों में सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, शनि छठे भाव में बैठे हैं, आप जितने प्रयास करेंगे सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 29 मार्च के बाद आपकी कोर्ट केस में आपको ज्यादा स्थिति बढ़िया रहेगी, विशेषकर 14 मई 25 के बाद। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि तुला लग्न व तुला राशि को वर्ष के आरंभ में थोड़ी सावधानी रखनी है। 1 जनवरी से लेकर 13 मई 25 के बीच में आपको 14 मई के बाद आप देखेंगे स्थितियां आपके पक्ष में चली जाएंगी, और आप जो काम करना चाहेंगे उस कार्य में आपको मिलेगी, और आपके कामों को गति मिलेगी। तो पुनः आपको नववर्ष की बधाई। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा? अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।